फीचर जो हमारा है वो बेसिकली हमें पहले ही दो मोड में मिलता था, नॉर्मल और नेक्स्ट जो फीचर है वो मैप से रिलेटेड है। जैसा कि गाड़ी का मोटर ऑटोमेटिकली कट जाएगा जब वो डिटेक्ट करेगा गाड़ी फॉल हुई है, ऐसा इसलिए कि जब गाड़ी के बाद इसकी जो ये DRL है। नेक्स्ट एक और नई चीज जो आपने नोटिस करी होगी वो ये कि इसमें हमें एक तो गाइज हमारे पास है यहाँ पे ओला S1 एयर और इसमें आ चुका है मूव S4 का अपडेट और लगभग 20 प्लस न्यू एंड अमेजिंग फीचर इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा पहला फीचर जो है वो ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर का फीचर है जिसे आप सेटिंग में जाके इनेबल कर सकते हैं। तो सेटिंग में जाके लाइट्स के सेक्शन में अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर का फीचर जो हमने अभी ऑन कर दिया है। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी हम अपनी स्कूटी पे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और इंडिकेटर हमने दे दिया है। नाउ एज वी टर्न विदाउट प्रेसिंग एनी बटन एज यू कैन सी द इंडिकेटर टर्न्स ऑफ ऑटोमेटिकली। सो दिस इज अ क्वाइट गुड फीचर दैट वी गेट इन दिस अपडेट। तो गाइज नेक्स्ट फीचर जो है इसमें वो टेम्पर डिटेक्शन का आया है, जैसे कि इसे आप हम दिखा देते हैं कहाँ पे सेटिंग में जाके आप कर सकते हैं इनेबल। तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में टेम्पर डिटेक्शन का ऑप्शन हमें मिल जाता है जो इस वक्त फिलहाल ऑन है, ऑन हमने कर दिया है। इसमें होता क्या है कि आपकी गाड़ी को अगर कोई बहुत ज़्यादा टेम्पर करने की यानी कि डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, जैसे कि उसका हैंडल मोड़ेगा या फिर उस गाड़ी को आगे पीछे करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट हो जाएगा और सारे ही लाइट जो है वो एक अलार्म टाइप का बजने लगेगा और आपके सारे लाइट टर्न ऑन होने लगेंगे। जैसे कि अभी हम इस गाड़ी को लॉक पोजिशन में करते हैं तो यहाँ पर टेम्पर डिटेक्टेड आपको दिख जाता है और सारे लाइट्स जल जाते हैं और आपको कुछ साउंड भी सुनाई दे रही होगी। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सेफ्टी फीचर दैट वी गेट इन दिस अपडेट। तो एक और जो नया फीचर हमें इसमें मिलता है वो फॉल डिटेक्शन का फीचर है जो हमें आपको अभी सेटिंग में जाके दिखा देते हैं। तो ये अभी ऑफ है, हम इसे ऑन कर देते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो लिखा हुआ है कि गाड़ी का मोटर ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा जब वो डिटेक्ट करेगा गाड़ी फॉल हुई है। ऐसा इसलिए कि जब गाड़ी फॉल होती है तो उस केस में एक्सीडेंटली कभी कभी एक्सेलरेटर प्रेस हो जाता है तो उस केस में गाड़ी आगे भाग जाती है और मोर एक्सीडेंट और ज़्यादा मतलब डेंजरस हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे मोटर कट ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया जो कि बहुत इंटेलिजेंट फीचर है। फीचर जो हमारा है वो बेसिकली हमें पहले ही दो मोड में मिलता था, नॉर्मल और पावर मोड में, बट अब वो इको मोड में भी मिल जाता है जो कि है क्रूज कंट्रोल, यानी कि इस बटन को प्रेस करने पे हमारी गाड़ी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे यानी कि जो भी स्पीड होगी उस टाइम उस पर जो है वो क्रूज करती रहेगी। तो अभी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं क्रूज कंट्रोल इन इको मोड। तो अभी आप देख सकते हैं इको मोड में हमारी गाड़ी है और हम क्रूज कंट्रोल यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्रूज कंट्रोल ऑन हो चुका है, अब हम कोई भी एक्सेलरेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई भी एक्सेलरेशन नहीं कर रहे हैं मैनुअली और ऑटोमेटिकली व्हीकल जो है वो एक्सेलरेशन पे। और इसे ऑफ करने के लिए अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो आप एक्सेलरेशन भी कर सकते हैं फिर से या फिर ब्रेक भी दबा सकते हैं। तो अभी ये मोड ऑफ हो चुका है। नेक्स्ट जो फीचर है वो मैप से रिलेटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पहले हमें मैप माई इंडिया का ऑलरेडी मैप मिल जाता था और यहाँ पे एक नया बीटा में मिल जाता है ओला मैप्स। तो इससे बेसिकली क्या है कि आप अपने मोबाइल से कोई लोकेशन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं स्कूटी में तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें तीन बहुत ही अच्छे फीचर मिल जाते हैं इस नए अपडेट में, जो कि पहला है जियो फेंस। इसमें बेसिकली आप एक एरिया डिफाइन कर सकते हैं जिसके आगे वो आपकी जो स्कूटी व्हीकल जो ले जाने की कोशिश करेगी तो वो स्कूटी ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगी। आफ्टर दैट टाइम फेंस आप पर डे के कितने टाइम तक उस गाड़ी को जो है वो चलाना चाहते हैं वो भी आप कंट्रोल और डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि 9 बजे के बाद रात में आपकी गाड़ी जो है वो नहीं चले तो वो टर्न ऑफ रहेगी उस टाइम में। बाकी एक स्पोर्ट मोड और है, जैसे कि इसमें क्या है कि आप स्पोर्ट मोड ऑन करके किसी को और को बंदे को अपनी गाड़ी देना चाहते हैं या नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी अपने दोस्त को देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी गाड़ी वो ज़्यादा तेज स्पीड पर क्रूज ना करें तो आप इस मोड को टर्न ऑफ करके उसे दे सकते हैं और ये सिर्फ आपके मोबाइल से ही चेंज हो सकता है, ये इस गाड़ी के अंदर से चेंज नहीं हो सकता। और एक और नया फीचर जो हमें मिल जाता है वो है कॉन्सर्ट मोड। बेसिकली इसमें क्या है कि आपके पास अगर मल्टीपल ओला व्हीकल्स हैं तो आप उनको सबको आपस में सिंक्रोनाइज करके सबके स्पीकर को एक साथ जो है वो एक सिंक्रोनाइज मैनर में कोई भी ट्यून बजा सकते हैं। और इसमें भी दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ नहीं है बेसिकली होस्ट कॉन्सर्ट, मतलब कि ये गाड़ी होस्ट करेगी बाकी लोग ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन अ कॉन्सर्ट यानी ऑलरेडी कोई गाड़ी ओला में जो ये चल रहा है तो आप इस बाइक इस व्हीकल के थ्रू से ज्वाइन कर सकते हैं। और नया फीचर जो हमें इसमें देखने को मिलता है वो ये कि हमारे पास यहाँ पे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है जो कि पहले हमारे पास नहीं था। इससे क्या होता है कि जैसे व्हीकल चलते चलते कभी कभी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती थी तो वो
ब्रेकिंग कुछ लोगों को नहीं पसंद थी, तो उसके लिए यहाँ ऑफ करने का ऑप्शन आ गया। बाकी ये तीन ऑप्शन तो हमारे पास ऑलरेडी थे, बट ये ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। इस अपडेट के बाद इसमें एक नया मोड ऐड हुआ है, एक नया इंटरफेस ऐड हुआ है, केयर मोड। इसमें बेसिकली क्या है कि हमें एक नया टॉर्क मीटर, पावर मीटर मिल जाता है, और यहाँ पर से आप साइड से ही यहाँ नेविगेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत अच्छा सा पावर मीटर, टॉर्क मीटर, न्यू ट्रिप मीटर और मनी सेविंग मीटर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है वो चेंज करने की कोशिश करी गई, तो काफ़ी अच्छा इंटरफेस हमें मिल जाता है। और न्यू एडऑन जो हमें इसमें मिल जाता है वो ये कि अब हम इस व्हीकल को अंदर से इंटरफेस से ही रिबूट कर सकते हैं। पहले हमें यहाँ पर पावर बटन और रिवर्स बटन होल्ड करके रखना पड़ता था फॉर रिबूटिंग दिस व्हीकल, बट नाउ वी गेट अ इंटीग्रेटेड ऑप्शन इनसाइड दिस इंटरफेस। एक और नया फीचर जिसमें मिल जाता है वो है टेक मी होम का फीचर। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने अपने गैराज में गाड़ी पार्क करी, तो आपको जैसे कि ये ऑप्शन अभी ऑन हो चुका है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने गैराज में गाड़ी पार्क करी और गैराज में काफ़ी अंधेरा है, तो ऑफ होने के बाद भी 30 सेकंड तक ये गाड़ी जो है अपने हेडलैम्प्स ऑन करती ताकि आप आराम से अपने घर तक पहुँच जाएँ। एक और जो बहुत लोगों को डाउट था वो ये कि अपडेट के बाद इसकी जो ये DRL है वो हमें मिल जाएगी फंक्शनल, बट ऐसा नहीं है। इसके अदर जो मॉडल्स हैं उसमें हमें ये भले ही लाइट फंक्शन मिल जाती है, बट ये एक्चुअली एक डमी है इस मॉडल में, तो वो अपडेट के बाद भी, मतलब कि किसी भी अपडेट के बाद ये फंक्शनल नहीं होने वाली है। एक और नया फीचर इसमें हमें गेट सपोर्ट का मिल जाता है, जिसमें अगर आप इसको यूज़ करते हैं, तो अभी फ़िलहाल वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, अगर कनेक्टेड होता तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाता, उस OTP को यहाँ एंटर करके आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर में कॉल कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और एनी डाउट।